हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स में से एक दुबई की, जो अपनी गगनचुंबी इमारतों, लग्जरियस लाइफस्टाइल और गोल्ड के लिए जाना जाता है। आज से 50 साल पहले यहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे महंगे होटल रूम्स और यहाँ तक की मैनमेड आइलैंड भी है। तो गाइस, चलिए जानते हैं दुबई के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, यहाँ दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है, जिसका नाम बुर्ज अल अरब है। इसका मतलब अरेबियन टावर है। इसमें 24 कैरेट की पत्ती है, जो इसके इंटीरियर के 1790 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। नंबर 2, दुबई का पांचवें आइलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है, जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड आइलैंड है। इसे बनाने के लिए पूरे 9,40,00,000 टन रेत की जरूरत है, जिसे इंजीनियर्स ने समुद्र के नीचे से निकालने का फैसला किया। नंबर 3, तेल की खोज से पहले दुबई में फिशिंग और मोती पैदा करने का काम किया जाता था, जब यहाँ पे एक भी बिल्डिंग नहीं थी। लेकिन 1966 में तेल की खोज के बाद दुबई का नक्शा ही बदल गया। अब यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल था दुबई मॉल है। नंबर 4, यहाँ का कानून इतना सख्त है कि यहाँ पे क्राइम रेट 1% से भी कम है, इसलिए दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है। नंबर 5, आज के समय में दुबई की जनसंख्या 35 लाख है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 15% लोग ही यहाँ के नेटिव है। यहाँ सबसे ज्यादा भारत के लोग रहते हैं, इसके अलावा एशियन और यूरोपियन कंट्रीज के लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं। नंबर 6, यहाँ आपको हर जगह लग्जरी कार्स देखने को मिलेंगी, छोटी कार्स आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। दुबई पुलिस के पास आपको बुगाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसे महंगे स्पोर्ट्स कार्स देखने को मिलेंगी, जब तो दुबई पुलिस चोरों को मिनटों में पकड़ लेती है। नंबर 7, जहाँ दुनिया भर में कुत्ते और बिल्लियों को पालतू जानवर के तौर पर पाला जाता है, वहीं दुबई के लोग शेर, तेंदुए, चीते को पालते हैं। यहाँ आपको घरों में दर्जन के दर्जन शेर देखने को मिलेंगे। नंबर 8 गाइस, दुबई के लोगों का इतना अमीर होने का एक रीजन ये भी है कि वहाँ के लोगों से कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी दुबई की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है क्योंकि वहाँ के टूरिज्म से टूरिस्ट टैक्स लिया जाता है। नंबर 9, दुबई में वीकेंड 2 दिन का नहीं बल्कि 2.5 दिन के लिए होता है, जैसे कि इस्लाम में फ्राइडे को शुभ माना जाता है, तो यहाँ वीकेंड फ्राइडे को दोपहर में शुरू होकर संडे तक होता है। नंबर 10, दुबई की रेड लाइन मेट्रो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ड्राइवलेस मेट्रो लाइन है, जो लगभग 52 किलोमीटर लॉन्ग है। सो गाइस, आई होप कि इस वीडियो से आपको दुबई के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।